अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात। मुफ्ती उमर फारूक साहब ने आज एक मजलिस मुनक्किद की गई थी जिसमें तमाम मसलक के उलमा मौजूद थे। मजलिस का मकसद जिस तरीके से हमारे सियासी कायदीन की जो खिदमात हमारे सामने आ रहे हैं, जो अजीम शान खिदमात हैं, जिस तरीके से बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने एक ही पेंडाल के नीचे तमाम मसलक के और तमाम कौम और मिल्लत के जो रहनुमा हैं, जो धर्म गुरु हैं, इनको जमा किया, इन्हें फ्री राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उन्हें कुछ माली ताउन किया गया बड़े इज्जत और एजाज़ के साथ। इसी के साथ साथ कॉरपोरेटर इमरान पाशा साहब ने भी हाल ही में उलमा इकराम को बड़े एजाज़ के साथ राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उन्हें माली ताउन किया गया। तो उलमा इकराम की जानिब से, यानी मुफ्ती उमर फारूक साहब की जानिब से जो मजलिस मुनक्किद की गई थी, इस मजलिस का मकसद ये था कि जिस तरीके से इन सियासी कायदीन ने उलमा की भरपूर खिदमत की है, तो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इनका शुक्र अदा करें। तो इसी के सिलसिले में मजलिस मुनक्किद की गई थी और ये मजलिस का मकसद ये ज़ाती मकसद था और शुक्र अदायगी के लिए ये मजलिस मुनक्किद की गई थी, ना कि किसी का दबाव था, ना ही किसी की रिक्वेस्ट थी, ना ही किसी का माली ताउन मुफ्ती उमर फारूक साहब को था। मुफ्ती उमर फारूक साहब एक ऐसे शख्स हैं जो खुद ताजिर भी हैं और मदारिस के ज़िम्मेदार भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन्हें जितना नवाजना है वो नवाज चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी उन्हें नवाजा गया है उससे उनका गुजरान, उनकी ज़िंदगी बसर हो सकती है। इसी के सिलसिले मुफ्ती उमर फारूक साहब का कहना है कि मैं पैसा लूं और किसी और को पैसा ना मिले, ये मुझे मुनासिब नहीं है और मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे नवाजना था वो नवाज दिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई सियासी कायदीन की मदद और माली ताउन की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो मुस्तहिक उलमा इकराम हैं, जो मुस्तहिक हज़रात हैं, उन तक, ज़रूरतमंदों तक पैसा पहुँचे। तो नाज़रीन आइए, इस मजलिस में जो उलमा मौजूद थे और जिन जिन उलमा तशरीफ़ लाए हुए थे, जो तमाम दीगर मसलक के उलमा इकराम मौजूद थे, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का वगैरह ख़ास ख्याल रखते हुए और मास्क का भी मसला, इसलिए हमने अलग से एक एक आलिम दीन की वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की है। हम चाहते हैं कि वो आपके सामने उन सारे बयानात को और उन सारी शुक्र अदायगी को जो जनाब बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान की तायद में और कॉरपोरेटर इमरान पाशा साहब की तायद में जो बातें कही गई हैं, हम वो सारी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं और आप तक सुनाना चाहते हैं। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्लिप को सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शहर बेंगलुरु के तमाम वो जो इलाके जहां पर MLA, MP और कॉरपोरेटर हजरात चुप बैठे हैं, वो इन चीज़ों को देखें, देखकर वो भी मैदान में आगे बढ़ें, बढ़कर तमाम मसलक के उलमा इकराम और तमाम मजहब के जो धर्म गुरु हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती उमर फारूक कासमी, बानी व मोहतमिम मदरसा अरबिया तकवियतुल कुरान पादरीनपुरा। मोहतरम नाज़रीन, चंद बातें मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप बग़ौर समात फरमाएंगे। पहली बात यह है कि तकरीबन 2-2.5 साल से कोरोना वायरस की एक बीमारी जिसने पूरी दुनिया को हला करके रख दिया है, खुसूसन इस साल हमारा मुल्क भारत इस बीमारी में बहुत मुतासिर हुआ, यहाँ के लोग बहुत परेशान हुए और सब हालात आपके सामने हैं। इन हालात में अगर कोई खड़े होकर के इंसानियत की खिदमत करता है, किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी प्यासे को पानी पिलाता है और किसी बीमार को डॉक्टर तक पहुँचाता है, उसके दवा दारू का इंतज़ाम करता है, तो वाकईतन वो सही इंसान है, बल्कि वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में है, हमारा मानना ये है। तो ऐसे ही हालात चंद दिन पहले हमारे चामराजपेट हलके में ये वाकया पेश आया, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, तकरीबन 3 दिन पहले बरोज़ बुध और वक्त जो है वो 11 बजे का था। हमारे इलाके के MLA जनाब बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब, जो बेहतरीन MLA माने जाते हैं, इन्होंने अपने कॉन्सीसी में जो लोग परेशान थे, ख़ास तौर पर किसी भी मजहब के मानने वाले क्यों ना हो, तमाम मजाहिब के रहबरों को, रहनुमाओं को, पेशवाओं को एक जगह जमा फरमाया, जमा फरमा करके उनके हक में जो था उन्होंने उनकी खिदमत की, उनको हदीये में कुछ चीज़ें पेश की। मैं इस मौके पर हदीये का जिक्र करना नहीं चाहता, उन्होंने जो राशन दिया उससे भी मुझे ज़्यादा उस पर बात करने का मुझे मूड भी नहीं है, मुझे इरादा भी नहीं है। असल जो मेरा इरादा है वो ये है कि इन्होंने तमाम मजाहिब के पेशवाओं को जमा कर करके जो प्यार मोहब्बत का सबूत दिया है, ये वाकईतन काबिल तारीफ भी है, काबिल तखलीद भी है। काबिल तारीफ इसलिए है
कि अक्सर लोग अपने मजहब के मानने वालों को और अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों को तावुन करते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। असल काम यह है कि हमारे मुल्क भारत में जितने भी मजाहिब के लोग बसते हैं सबके साथ ये एक इंसाफ का मामला करना, ये असल इंसानियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है। तो उस वक्त उन्होंने जो तमाम मजाहिब के पेशाओं को जमा किया, उन्होंने एक कारनामा दिया है और एक मैसेज ये दिया है कि दीगर जो हमारे सियासी रहबर हैं, रहनुमा हैं, चाहे वो हमारे मुसलमान हो, चाहे वो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप जहां भी MLA हैं, जहां भी आप काउंसलर हैं, जहां भी आप MP हैं, अपने मातहती में रहने वालों को बगैर तफरीक मजहब के सबके साथ मोहब्बत करें। ये इन्होंने इनका एक सबक दिया है और एक सबूत दिया है। इस मौके पर मैं जनाब इमरान आरिफ पाशा साहब, जो हमारे इलाके के कॉरपोरेटर हैं, काउंसलर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी बहुत अच्छी खिदमात हैं। जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से मुस्तकिल हर प्रोग्राम में मुझे मदद करते हैं, मुझे जाना रहता है। जब भी मैं जाता हूं तो कोई नया काम उनकी तरफ से शुरू करते हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन रमज़ान में, ये रमज़ान में भी 25वें रोज़े को हमारे इलाके के उलमा इकराम की उन्होंने बड़ी खिदमत की, माली एतबार से, राशन के एतबार से। उससे पहले साल में भी के शादी महल में भी उन्होंने उस वक्त भी उलमा को बुला करके हदिया दिया, राशन दिया। उससे पहले साल में भी जो स्कूल का मैदान था वहाँ पर भी उलमा को बुला करके वो हर साल उलमा को हदिया पेश करते हैं, अपनी खिदमत करने की पूरी कोशिश करते हैं, वो भी काबिल मुबारकबाद है। इस मौके पर हमारे इलाके के आसपास में जो और सियासी हमारे रहबर हैं और कायद हैं, जैसा कि हमारे जनाब BZ BK अल्ताफ खान साहब हैं, हमारा भी उनका ताल्लुक है। जब भी कोई भी दीन का और कौम का मसला आता है तो हम लोग बैक होकर के हम लोग वहाँ जाते हैं। तो कभी भी उन्होंने अपनी ताकत से कम काम नहीं किया, बल्कि अपनी ताकत से ज़्यादा उन्होंने हमारा साथ दिया। कौम और मिल्लत के मसले खिदमत में वो आगे आगे रहे। इसी तरीके से हमारे इलाके में एक हैं जनाब सैयद सिराज पाशा साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रमज़ान में पूरे इलाके को राशन तकसीम करते हैं। इसी तरीके से हमारे रिजवान भाई हैं जो रोशन कमेटी के सदर हैं। इसी तरीके से गोरी पल्ले के ऊपर के इलाके में हमारे बाबन्ना हैं। और इसी तरीके से हमारे जमीर साहब के साथ रहने वाले डिशुम फयाज साहब हैं। यानी ये हमारे इलाके को अल्लाह ने ऐसे रहबर दिए हैं और ऐसे अफराद दिए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद हमारा इलाका, हमारी कॉन्सीसी, हमारा वार्ड जो है वो बेहतरीन है। अल्लाह ने हर सलाहियत रखने वाले को अल्लाह ने हमें अता किया है। तो ऐसे मौके पर हमारा हक बनता है कि हम ऐसे रहनुमा, ऐसे सियासी कायदीन का शुक्रिया अदा करें। अगर हम शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इंसाफ के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। मैं तमाम हमारे सियासी कायदीन का, जनाब बिजर जमीर अहमद खान साहब का, जनाब इमरान आरिफ पाशा साहब, उनके पूरी फैमिली का, जिसके अंदर हमारे इरफान पाशा भी हैं, हमारे आरिफ ताया भी हैं और उनके पूरे घराने वाले भी हैं, मैं सबका फर्दन और हमारे BK अल्ताफ खान साहब, इसी तरीके से हमारे रिजवान भी हैं, बाबन्ना है, हमारे सिराज पाशा साहब हैं, मैं जनाब फारूक पाशा साहब मरहूम, जो बिल्कुल माशाल्लाह उनकी तरबियत का ये नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान पाशा इतनी सलाहियत के मालिक बने हैं और इनका खिदमत का इतना जज्बा बना है, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम को भी इसी तरह प्यार से, मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए, अपने कौम व मिल्लत की बल्कि इंसानियत की बढ़ चढ़ करके खिदमत कर पूरे आलम में, पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरे आलम में एक मिसाल कायम करें, हमारी दुआ भी है। और पूरे सियासी कायदीन के साथ हमारा साथ है, जब भी वो हमें, जब भी हाजिर होने का कहें, कोई भी खिदमत का हमसे इरादा करें, तो हम इंशाल्लाह उनको साथ देने के लिए तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबी वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज बाज़ बातें करने का मौका मिला। जैसा कि सब जानते हैं कि सारी दुनिया में ये जो करोना वायरस तबाही मचाया हुआ है, जिसकी वजह से लाखों लोग इसकी लपेट में आ गए, और इसके अलावा हर जगह जहाँ जहाँ भी देखो, माशी तौर पर लोग हर तरह से बीमार, कहीं बीमार हो गए तो खाने के लिए कुछ उनके पास मौजूद ही नहीं है, कोई शय मौजूद नहीं, और जहाँ जहाँ भी जाएं लोग बड़े मफलूकुल हाल नज़र आ रहे हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो मुजाहिदे
قوم و ملت ہیں الحاج بیرزٹ ضمیر احمد صاحب اور ہمارے خصوصی طور پر یہاں کے الحاج بی کے الطاف احمد صاحب اور عمران پاشا صاحب ماشاءاللہ انہوں نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے علاقے میں بہت کافی لوگوں کی مدد کی اور ہم نے دیکھا کہ جیسا کہ ہمارا یہ ملک سیکولر ہے اور یہاں پر الحمدللہ کئی مذاہب کے لوگ جمع ہیں علی جناب ضمیر احمد صاحب نے ماشاءاللہ پورے جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں اور وہاں کے جو مذہبی علماء قائدین ہیں ان کو جمع کر کے وہاں پر ماشاءاللہ اپنا کچھ ہدیہ پیش کیا اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے اور اسی طرح قوم و ملت کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی ان میں پیدا فرمائے اور اسی طرح دین کا کام لیتے رہے۔ السلام علیکم۔ جناب بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب نے چامراج پیٹ میں وہاں مختلف مذاہب کے قائدین کو بلا کر ان کی خدمت کا شرف حاصل کیا تو ماشاءاللہ یہ انتہائی خوشی کا موقع تھا اور بہت اچھا موقع تھا کہ ایک پنڈال کے نیچے تمام مذہب کے قائدین اور تمام مذہب کے ماننے والے اور مندر کے پجاری بھی تھے، مساجد کے ائمہ اور علماء بھی تھے، سکھ برادری کے رہنما بھی تھے اور چرچ کے فادرس بھی تھے۔ یہی اصل ہمارے ہندوستان کا چہرہ ہے، ہمارے ہندوستان کی یہی تہذیب ہے۔ چند دنوں سے فرقہ پرست طاقتوں نے ابھر کر اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ہر جگہ نفرت کی فضائیں قائم ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن اب بھی ماشاءاللہ ہمارے ملک کا ایک بڑا حصہ گنگا جمنی تہذیب کا ہی علمبردار ہے۔ تو جناب بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب نے یہ خدمات انجام دے کر جہاں انہوں نے مذہبی قائدین کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے، وہیں انہوں نے دیگر سیاسی رہنماؤں کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو حکومت کے اعتبار سے قوم کی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے، تو ذمہ داری ہے ہر خدمت کرنے والے اور حکومت کے اور سیاسی قائد کی کہ وہ اپنے ماتحت میں آنے والے اور جس علاقے کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے اس علاقے میں بسنے والے ہر مذہب کے ماننے والے کی آپ خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی راحت کا انتظام کریں اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی فکر کریں۔ تو جہاں یہ ضمیر احمد خان صاحب نے پیغام دیا ہے، میں بھی اپنی طرف سے اس میڈیا کی وساطت سے تمام بنگلور کے دیگر علاقوں کے سیاسی قائدین اور صوبہ کرناٹک کے سیاسی قائدین اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارے پورے ملک بھارت کے سیاسی قائدین، تمام MLA MP کونسلروں سے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح بین المذاہب خدمات کے پروگرام منعقد کریں اور جو نفرت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یقیناً ہمارا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ ہمارے ملک کی بقا اسی میں ہے اور ہمارے ملک کا پروان چڑھنا اسی میں ہے کہ یہاں محبت قائم رہے۔ اگر نفرت پروان چڑھتی ہے اور نفرت کی ہوائیں یہاں چلائی جائیں تو پھر یہ ہمارا ملک امن کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے اس پیغام کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ تمام سیاسی قائدین بین المذاہب خدمات کے پروگرام منعقد کریں اور ہر مذہب کے ماننے والے کی اسی طرح قدر کریں جس طرح خود اپنے مذہب کے ماننے والے کی قدر کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ تو جناب بی زیڈ ضمیر احمد صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو قبول فرمائے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے علاقے کے اور بہت سارے سیاسی قائدین ہیں، جناب بی زیڈ ضمیر احمد صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، جناب بی کے الطاف خان صاحب ہیں اور اسی طرح ہمارے جناب عمران عارف پاشا صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کی بھی خدمات بڑی وسیع ہیں، بڑی اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں، اپنے علاقے کی پوری فکر رکھتے ہیں اور پورے طرح سے فکر مند ہیں۔ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی بھی حالت ہوتی ہے یا کسی بھی قسم میں ان کی ضرورت لوگوں کو محسوس ہوتی ہے تو ماشاءاللہ وہ پوری فکر کے ساتھ اور اپنی سعادت سمجھ کر شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سیاسی قائدین کو زندہ رکھے، ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور قوم و ملت کی اور زیادہ جذبات کے ساتھ، خلوص و اخلاص کے ساتھ خدمات انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی خوش رکھے ہمارے MLA بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب، اللہ تعالی ان کی عمر
उम्र में बरकत अता फरमाए। ये पहली लहर से लेकर आज तक वक्तन फवक्तन आवाम की और खुसूसन उलमा की जिस अंदाज से खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। अभी दो दिन पहले जो इन्होंने तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं की जिस अंदाज से खिदमत की है, मैं समझता हूँ कि अपनी मिसाल वो आप हैं और अल्लाह ताला ने आपके सीने को इस काम के लिए शरह सदर फरमाया कि एक शामियाने के नीचे तमाम मज़ाहिब के रहबरों को और पेशवाओं को जमा किया। ये एक आइडियल है और नमूना है और दूसरे लीडरान के लिए एक मिसाल है। बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब के बारे में दुनिया जानती है कि आप सियासत में आने से पहले ही इस तरह की सखावत और फैयाजी का काम करते रहे हैं। ये आपकी ख़ानदानी अलामत है और आपकी ख़ानदानी वरासत है, अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। इसी तरह आपकी पूरी टीम, चाहे वो मुजाहिद हुसैन साहब हों या बी के अल्ताफ़ ख़ान साहब हों हमारे कौंसलर, या और भी दीगर आपके कारकुनान हों, अल्लाह ताला तमाम की खिदमात को कबूल फरमाए। आपको आपकी पूरी टीम को अल्लाह ताला उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। इसी तरह हमारे इलाके के कारपोरेटर जनाब इमरान आरिफ पाशा साहब, इनकी खिदमात का भी हम एतराफ़ करते हैं। इन्होंने भी पहली लहर और इस दूसरी लहर में भी जान जी लगाकर कोशिशें की और घर घर पहुंचकर आवाम की खिदमत की, उलमा की खिदमत की। मैं इन दोनों अपने उभरते हुए नौजवानों और कायदीन की दुआ करता हूं और हौसला अफजाई करता हूं कि आप इसी तरह काम करते रहें। यकीनन किसी न किसी की दुआ आपके हक़ में कबूल होगी और अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों जहान को कामयाब करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद अतीकुर रहमान रशादी, भद्रायनपुरा बेंगलोर। अल्हम्दुलिल्लाह अली जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब की जानिब से चामराज पेट में जो प्रोग्राम किया गया, एक ही स्टेज पर सारे मज़हब के पेशवाओं को, इमाम, पुजारी और इसके अलावा फादर और गुरुद्वारे के सिख वग़ैरह सबको अल्हम्दुलिल्लाह जोड़कर जो खिदमत की गई है, चारों तरफ से इस खिदमत को सराहा जा रहा है, इसकी तारीफ़ें की जा रही हैं और बड़ा अच्छा मंज़र रहा, हमारी आंखों ने देखा उस मंज़र को। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसे ही खिदमत को जारी सारी रखें और अल्लाह इनके खिदमत को कबूल फरमाए। उनके शाना बशाना अली जनाब अल्ताफ़ ख़ान साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा साथ रहते हैं और अपनी रायों से उनको नवाजते हैं। और इसी तरीके से इमरान आरिफ पाशा साहब ने भी के शादी महल के अंदर ड्राइवर्स के लिए जो इंतज़ाम किया गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ खाकी ड्रेस, खाकी कपड़े पहनने वाले यानी ऑटो ड्राइवर्स मेहनती लोग वो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मंज़र बड़ा प्यारा रहा, वहाँ भी देखने का मौका मिला और बड़े जज्बे से, खुलूस से, इखलास से बाप बच्चों ने खिदमात की हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके भी खिदमात को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन व अला आलिही व सहबी अजमाईन, अम्मा बाद। मैं हाफिज़ सैयद हफीज़ुर रहमान, मैं बीजर जनाब बीजर ज़मीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि जनाब बीजर ज़मीर अहमद साहब ने हमारे इस इलाके में तमाम मज़ाहिब के लोगों को, मसाजिद के इमाम व मुअज़्ज़िनीन को और चर्च के फादर्स वगैरह को जमा करके एक बहुत हसीन मंजर जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मौके पर जनाब बीजर ज़मीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल करे। और इस मौके पर जनाब बी के अल्ताफ़ ख़ान साहब, जो जनाब बीजर ज़मीर अहमद साहब के शाना पशाना रहते हैं, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खिदमात किए हैं, अल्लाह ताला इनकी खिदमात को वो कबूल करे। और इस इलाके के कारपेटर जनाब इमरान आरिफ पाशा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो वक्तन फवक्तन समाजी खिदमात करते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के हालात पर नज़र रखते हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।